शीट नंबर 37 में चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. तो चार्ज पार्टिकल की जो जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. पार्टिकल किसे मूव करेगा? इन अ सर्कल. सर्कल में जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी? टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपेटल, ऐसे ही है. तो एक्सेलरेशन भी कहाँ लगेगी? टुवर्ड्स सेंटर. इस एक्सेलरेशन को क्या नाम देंगे? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. और इस केस में बी वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल क्या बनेगा? 90. भाई फोर्स में और बी में एंगल 90, तो ए और बी में भी एंगल 90. और अगर इसमें 90 तो इनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आना चाहिए? जीरो. डॉट प्रोडक्ट जीरो. डॉट प्रोडक्ट जीरो में बी वेक्टर 3, आई कैप 4, जे कैप डॉट. ए वेक्टर में एक्स, आई कैप 2, जे कैप मस्ट बी इक्वल टू जीरो. आप कहेंगे ये नहीं लिया, लेके क्या करोगे? जीरो से कटना ही तो है, उसने मतलब. तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई को आई के साथ 3x, जे को जे के साथ प्लस 8 इक्वल टू जीरो. तो x की वैल्यू क्या जाएगी? -8/3. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर में मूव करता है तो पार्टिकल सर्कल में है. सर्कल में फोर्स सेंटर की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ है. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स या एक्सेलरेशन का बी बोर्ड के अंदर है, एंगल 90 है. तो डॉट प्रोडक्ट फिर इसका मतलब क्या होगा? इनका जीरो. दो वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा. उसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके आंसर आ गया. इस क्वेश्चन को करें. When a proton has a velocity of v vector, तो velocity vector given है. It experiences a force f vector भी given है. तो क्या निकालना है? Magnetic field vector form में निकालना है. क्या होगा? मेरे को इतना तो पता है, formula लगेगा f vector is q into v cross b. Force vector question में given है. कितना? -1.28 इंटू 10 रेज टू पावर -13 के कैप. चार्ज प्रोटोन का पता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 इंटू वी वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप गिवन है 10 की पावर 6 क्रॉस. क्रॉस क्या? बी वेक्टर. बी वेक्टर मुझे निकालना है यानी कि बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, पर मुझे ये नहीं पता कि पीछे कौन सा कैप लगेगा. अगर आप मुझे कैप बता दो तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके अपना आंसर निकाल दूंगा. कोई बताएगा बी के पीछे कौन सा कैप है? जे की माइनस जे. माइनस जे कैसे पता किया आपने? आपने फ्लेमिंग के रूल से पता किया? मैं आपको इसे और तरीका आसान बताता हूं. पीछे कैप क्या आएगा? हाथ लगाना ही नहीं, ऐसे आ जाएगा. देखो आप एक पॉइंट को समझें. एक ना स्पेशल लाइन इसमें गिवन है. व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अलोंग जेड एक्सिस इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस. तो एक बात बताओ, जो भी मैग्नेटिक फोर्स होती है
वो सबको पता है कि किसके पैरल होती है, वी क्रॉस बी, ऐसे होता है। वी क्रॉस बी के पैरल का मतलब क्या है, पैरल का मतलब जो इसके क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा, नया वेक्टर आएगा, वो इसके साथ पैरल जाएगा, इन द सेम डायरेक्शन होगा। तो मुझे एक बात बताओ, उसने कहा व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अलोंग जेड एक्सिस, तो ये अगर मान लो कहां पर है, के कैप है, तो वो फोर्स कहां एक्सपीरियंस करती है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये क्या है, आई कैप है। तो बताओ मैं यहां पर कौन सा कैप लगाऊं कि आंसर आई कैप आ जाए। तो मुझे एक बात बताओ, हमने प्लस वन में वेक्टर किया आई जे एंड के, आई को जे से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे अगर, आई क्रॉस जे, तो आंसर क्या आएगा, के। फिर जे क्रॉस के करेंगे, आंसर क्या आएगा, आई। फिर के क्रॉस आई करेंगे, आंसर क्या आएगा, जे। अगर कोई भी ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस आएगा। तो इसमें के कैप क्रॉस क्या करूं कि आई कैप आ जाए, कोई कहता है जे कर दो। अगर मैं जे करता हूं, यहां पर अगर मैं जे करता हूं, तो जे क्रॉस के आई है, पर हमें तो चाहिए के क्रॉस समथिंग की आई आई, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस जे, क्योंकि के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई, माइनस आई इंटू माइनस इज आई। तो मुझे यह पता लग गया यहां पर कौन सा कैप आने वाला है, माइनस जे कैप। ये स्टेप समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर है। सेकेंड लाइन सर एक बार वापस बता दो, सेकेंड लाइन सिर्फ डायरेक्शन पता करने के लिए बताई गई है कि आपको बी की डायरेक्शन पता लग जाए। ये समझ में आता है कि ये जो वेक्टर का प्रोडक्ट है वो इसके पैरेलल होगा, क्लियर है यहां तक? यस सर। तो उसने कहा कि अगर फोर्स एक्स एक्सिस में है, वेलोसिटी जेड एक्सिस में है, तो बी बोलो किस एक्सिस में होगा। ये प्लस वन का वेक्टर है, आपको ये पता होना चाहिए कि जे क्रॉस के आई होता है, ठीक है, और के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई होता है। तो मैं यहां पर माइनस जे जान के ले रहा हूं ताकि के क्रॉस जे मुझे पता है क्या होता है, माइनस आई इंटू माइनस क्या है, आई। इसलिए माइनस जे है। अब एक काम करते हैं, इसे ओपन करते हैं, माइनस 1.28 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 13 के कैप इज इक्वल टू, इसे अगर ओपन करें तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू, अब अगर मैं इसको और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करूं, बीच में क्या आ रहा है, क्रॉस, तो मुझे पता है कि आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 तो आएगा ही आएगा, इंटू क्या आएगा, बी नॉट, और आई क्रॉस जे क्या होता है, के, और यहां पे माइनस भी है तो पीछे क्या आएगा, माइनस के कैप। जे क्रॉस जे क्या होता है, जीरो, तो ये टर्म लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो अब जब आप इन्हें इक्वेट करोगे तो माइनस से माइनस, के से के, कैंसल, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द आंसर। तो समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है यहां तक? तो वहां पे आपने एफ वेक्टर पहले वी क्रॉस बी क्यों लिखा है? मैं ये कह रहा था पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, वी क्रॉस बी का जो नया वेक्टर आएगा वो इनके परपेंडिकुलर होगा। यस सर। वो फोर्स ही तो होगी। यस सर। वही तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो अच्छा नया मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हो। हाँ ठीक है ना। यस सर। ऐसा लिखते हैं पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन है, सेम का मतलब यही है। yes. इसके और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर सेम ही आएगा, इसका मतलब ये है। yes, तो वही कंडीशन बना के दी ना, सेकेंड लाइन दी ही इसलिए थी ताकि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्या पता अगले कुछ में कुछ और हो जाए, वो मैं कह सकता। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री इजी है। चार्ज गिवन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, फोर्स निकालनी है, आसान है। क्या लगेगा, एफ वेक्टर इज क्यू इनटू वी क्रॉस बी, तो आप इसमें फोर्स निकालना चाहते हैं, एफ वेक्टर, चार्ज क्या है, माइनस 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, वी वेक्टर क्या है, 2 आई कैप,
माइनस थ्री जे कैप प्लस के कैप इंटू 10 रेज टू पावर 6 क्रॉस बी वेक्टर क्या है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ऐसे। तो आप इसे ना वो प्लस वन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, वो याद है ना वो कैसे करते थे आई माइनस जे के क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आंसर आएगा। ये काफी लंबा क्वेश्चन है बट पॉइंट समझ में आ रहे कि कैसे करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को एक बार ट्राई करें प्लीज।
आंसर। देखो इसको ना, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है, आपको ना वेरिएबल की फॉर्म में निकालना है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा, एनसीईआरटी में आना मुश्किल है, पर अगर आएगा तरीका वही रहेगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। वो क्या, इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है पार्टिकल जिसकी स्पेसिफिक चार्ज चार्ज टू मास रेशियो अल्फा गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी वी नॉट आई कैप है एक्स एक्सिस के अलोंग है, फाइंड टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। टाइम डिपेंडेंस का मतलब वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालो और पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालो। देखो इस क्वेश्चन को हमें ऐसा करना चाहिए, जैसे सपोज अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको ये गिवन है, ये गिवन है कि ये पार्टिकल यहां से आया, मैग्नेटिक फील्ड गिवन था ऐसे, पार्टिकल जो है वो मूव करता हुआ आया और ऐसे इस तरीके से चला गया, ठीक है, सच दैट किसी भी इंस्टेंट पर जब ये सर्कल में घूम रहा था तो किसी भी इंस्टेंट पर ये एंगल क्या था, थीटा, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका, ये रहा वी वेक्टर इस पार्टिकल का, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। रेडियस की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू इसमें क्या है, आर, ऐसी है। मैंने क्या सिखाया था आज जब हमने ऑब्जेक्टिव किया था, मैंने क्या सिखाया था, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सच दैट अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ऐसी बात हुई थी। फिर मैंने ये सिखाया था कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, और थीटा बाय डिफॉल्ट क्या लेना होता है सर्कुलर मोशन में, ओमेगा टी, यही था। तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू वी कॉस थीटा आई कैप, वी साइन थीटा जे कैप। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो पार्टिकल यहां से यहां कितने समय में आया, टी, तो इसके अंदर वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू वी कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी आई कैप, साइन ऑफ थीटा की जगह ओमेगा टी जे कैप। ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाय टी, और टी क्या होता है, टू पाई एम बाय बी क्यू, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, बी क्यू डिवाइडेड बाय एम, राइट। ठीक है यहां तक। अब इसमें चार्ज टू मास रेशियो क्वेश्चन में अल्फा गिवन है, तो बी इंटू क्या आएगा, अल्फा, तो वी वेक्टर विल बी इक्वल टू वी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा की जगह बी इंटू एल्फा इंटू टी आई कैप, साइन ऑफ ओमेगा की जगह बी इंटू एल्फा इंटू टी इंटू जे कैप। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, राइट। अब मैंने अपना आंसर क्या निकाला, वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ टाइम एक आंसर आ गया, राइट, क्लियर है यहां तक। तो उसने कहा वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट बताओ, तो आपको ऑब्जेक्टिव जो मिलेगा ऐसा आंसर कुछ गिवन होगा, जबकि इस टाइप का ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कर लिया, वो पाई बाय थ्री पाई बाय सिक्स टी इज इक्वल टू वन बाय सिक्स वाला ऐसा आएगा। हाँ ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो थ्योरेटिकल ऐसा बना। अब कभी कभी ये भी आ सकता है, इस केस में आप पोजिशन वैक्टर बोलो क्या होगा। देखो जो पोजिशन वैक्टर होता है, ये यहां से यहां पार्टिकल आया, अब मेरे को ये चीज पता है कि अगर ये ओरिजिन से चला था, अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये वाला, ये क्या होगा वाई, ओरिजिन से ये जो बेस है ये क्या होगा एक्स। तो इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर, ये देखो मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो यहां से साइन ऑफ ओमेगा टी बोलो क्या आएगा, एक्स डिवाइडेड बाय आर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आर साइन ओमेगा टी। हम करने क्या वाले हैं, उसका पोजीशन वेक्टर अगर आर वेक्टर है
उसको ऐसे लिखा जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? पोजीशन वेक्टर एक्स कोऑर्डिनेट वाई, एक्स कॉमा वाई का मतलब एक्स आई कैप और वाई जे कैप। एक्स तो मैंने निकाल लिया आर साइन ओमेगा टी, ऐसी मैं वाई निकाल लेता हूं, ये डिस्टेंस कितना है वाई। अब एक काम करो, ये जो पूरे का पूरा डिस्टेंस है ये कितना है आर, ये डिस्टेंस छोटे वाला कितना है वाई। तो इस ट्राइंगल में बचा हुआ डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या बनेगा आर माइनस वाई। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस ऑफ ओमेगा टी क्या बनेगा, कॉस ओमेगा टी विल बी इक्वल टू ये डिस्टेंस यानी कि आर माइनस वाई डिवाइडेड बाय आर, राइट। तो यहां से कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू आर बाय आर क्या है वन माइनस वाई डिवाइडेड बाय आर, ऐसे बनेगा। इसके अंदर y अपॉन r की वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t, तो y की वैल्यू क्या बनेगी r इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t। अब एक तरफ आपके पास x आ गया y आ गया, तो r वेक्टर x की जगह r साइन ओमेगा t i कैप, y की जगह r 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t j कैप। तो जहां जहां ओमेगा यूज हो रहा है, हमने शुरू में ओमेगा निकाला था, कितना ओमेगा निकाला था बी इंटू एल्फा, जहां जहां ओमेगा है वहां वहां रिप्लेस करो बी इंटू एल्फा, बी इंटू एल्फा, और जहां जहां आर है वहां क्या रिप्लेस करेंगे एम वी बाय बी क्यू। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर वो न्यूमेरिकल आया उसकी टेक्निक बता रहा हूं कि किस तरीके से आपने सोचना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ये टाइम डिपेंडेंट होने ऐसा ऑप्शन कुछ मिलेगा नहीं। टेक्निक बताता हूं कि किस तरीके से आप सोच सकते हैं v वेक्टर और r वेक्टर कैसे निकलता है। तो चलो एक आइडिया देना था, वैसे आज तक आया नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल है एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट एन एंगल ऑफ अल्फा, अल्फा एंगल पर एंट्री है, अल्फा एंगल पर एग्जिट करेगा, किया था रिजल्ट, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा ऐसे ही होगा। नेक्स्ट, एंगल बीटा एट विच इट लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर इज अल्फा। टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तब टाइम स्पेंड में क्या होगा ये समय निकालना है ये वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना समय लगा ये बताना है। तो इसकी जो ज्योमेट्री थी अगर आपको याद होगा तो ज्योमेट्री ऐसी थी, याद है ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या है अल्फा। तो मुझे टाइम बताना है कितना स्पेंड किया, टाइम क्या होगा डिस्टेंस आर्क एबीसी, एबीसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता ही नहीं, तो वी नॉट रहेगा। आर्क क्या होता है, देखो एंगल, एंगल इज आर्क एबीसी डिवाइडेड बाय रेडियस आर, तो आर्क एबीसी विल बी इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू आर, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी इसमें 2 इंटू अल्फा इंटू आर अपॉन वी नॉट, और एंड में आर की जगह क्या पुट करेंगे एम वी बाय बी क्यू, आंसर ये आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, टाइम कैसे आएगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस, बोलो एसी क्या होगा 2 आर,
साइन अल्फा, हाँ अल्फा एक ही बात है। तो कैसे, तो इसमें देखो क्या आएगा, ये एसी निकालना है। मान लेते हैं आधा डिस्टेंस एक्स है तो नीचे वाला भी एक्स है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन अल्फा क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाय आर, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू साइन ऑफ अल्फा। तो डिस्टेंस ए से लेके सी तक क्या होगा, 2x, यानी कि 2 इंटू आर इंटू साइन ऑफ अल्फा इज आंसर, क्या आंसर है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स एमपीएस सर्कुलर लॉ पे है। क्वेश्चन नंबर सेवन ये करना, इसका आंसर क्या होगा, मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में शायद ना आए। हाँ जी, क्या आंसर है, करंट कैसे निकाला, देखो अपना इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे एक एक पॉइंट का आंसर दो प्लीज। इसके अंदर ये डायग्राम थोड़ा इस तरीके से है कि ये एक कंडक्टर है लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग, इसके अंदर इसका जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, करंट आई है टोटल, पर जो करंट डेंसिटी है ना वो स्मॉल आर के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है।
जैसे यहां पर अगर मैं छोटे आर डिस्टेंस नीचे जाऊंगा तो जे की वैल्यू कितनी है, बी आर, बी कोई कांस्टेंट है, तो इसके अंदर जैसे जैसे डिस्टेंस आर स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, जे बढ़ता जाएगा, तो जे बढ़ता जाएगा यानी कि कॉर्नर पे करंट ज्यादा है, और एक्सिस भी तो बिल्कुल जीरो है बिकॉज स्मॉल आर जीरो तो करंट डेंसिटी भी जीरो है, तो करंट हर एलिमेंट में डिफरेंट है, राइट। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊं ऐसे की बजाय मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, क्रॉस सेक्शन मतलब साइड को यहां से दिखाऊं, तो इसका रेडियस कितना है क्रॉस सेक्शन का, आर, और स्मॉल आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर ये पूछूं कि बताओ इस पोर्शन में, जिस पोर्शन का रंग मैंने ये हरा किया हुआ है, ये रहा, इस पोर्शन के अंदर अंदर कितना करंट है मुझे ये बताओ, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, करंट यहां पे अलग है, फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग बढ़ता जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पहले एक छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो सपोज मैंने जो एलिमेंट लिया पूरी इस क्रॉस सेक्शन में से, ये एलिमेंट लिया, ये कुछ ऐसे, क्योंकि डिस्क की तरह है, तो डिस्क किसकी बनी हुई है, बहुत सारी रिंग्स की, तो इमेजिन करो ये वो क्रॉस सेक्शन है ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और जिसकी थिकनेस क्या है, डी आर, डी आर। तो अगर मैं ये पूछूं कि इसका एरिया कितने है शेडेड पोर्शन का ऑरेंज कलर का, आप बोलेंगे सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस, सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस, ये क्या आ गया इसका स्मॉल एरिया। अगर मैं ये पूछूं कि इसमें करंट क्या है, आप बोलेंगे कि इस छोटे से शेडेड पोर्शन में, ये शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन में स्मॉल करंट है, करंट डेंसिटी इंटू इसका एरिया, इसका एरिया क्या है, टू पाई आर इंटू डी आर, ऐसे ही होगा। और अगर मैं ये पूछूं कि मेरे को तो करंट निकालना है इस पोर्शन में, ये पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा करंट निकालना है, इसके अंदर अंदर कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसे सारे एलिमेंट लेते रहो लेते रहो लेते रहो, यहां से स्टार्ट होके स्मॉलर डिस्टेंस तक जाओ, इंटीग्रेट करो, टोटल करंट आ जाएगा। यानी कि क्या करनी पड़ेगी इसकी मुझे, इंटीग्रेशन, जे की वैल्यू कितनी है, बी आर इंटू टू पाई आर इंटू डी आर, कहां से कहां तक, जीरो से लेके स्मॉल आर तक, कि मैंने आपको करंट कहां से कहां पूछा, जीरो से स्मॉल आर तक, तो ऐसी जितनी भी रिंग्स हैं सब इंटीग्रेट करके आंसर देंगी। तो यहां पर करंट की वैल्यू आएगी टू पाई बी, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर हो गई, जीरो से लेके आर तक, तो टू इंटू पाई इंटू बी, यहां पे आर क्यूब बाय थ्री हो गया, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे करंट आ गया, राइट। तो करंट का फॉर्मूला साइड पे लिख लेते हैं, यहां पर करंट का फॉर्मूला क्या आया, टू पाई स्मॉल बी आर क्यूब बाई थ्री। तो अगर मैं ये पूछूं कि आर वन डिस्टेंस पे करंट क्या है, आप सिंपली आर वन पुट कर देना, कैपिटल आर डिस्टेंस पे करंट कितना है टोटल, आप कैपिटल आर पुट कर देना, बेस्ट तरीका है, करंट आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या काम कर लिया हमने, करंट निकाल लिया फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, ठीक है। मेडिकल में मुश्किल है, इतना कहाँ आएगा इंटीग्रेशन, नॉन मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, ऐसे कर लेना चाहिए, बीच में आएंगे ऐसे, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो करंट आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि मुझे वैल्यू निकालनी है, मेरे को इसमें वैल्यू निकालनी है आर वन डिस्टेंस पे, क्योंकि आर वन लेस देन कैपिटल आर है, आर वन डिस्टेंस पे बी क्या होगा, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ, इस इमेजिनरी एम्पियर सर्कुलर डिस्टेंस पे टू बी इंटू टू पाई आर वन इज म्यू नॉट इंटू आर वन डिस्टेंस के अंदर करंट क्या होगा, वैल्यू पुट करो, टू पाई बी आर वन क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की आंसर आ गया। तो नॉन मेडिकल में फिर भी आ सकता है, मेडिकल में नहीं भी करेंगे चलेगा, देखा नहीं कभी ऐसा, इतना बड़ा क्वेश्चन आना मुश्किल है, बट हाँ समझ में आ रहा है यहां तक कैसे किया। तो जब करंट डेंसिटी वेरिएबल है सबसे पहले करंट निकलता है फिर क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्लियर है यहां तक, ये बिल्कुल सेम है। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की थी ना इलेक्ट्रोस्टैट्स में वॉल्यूम वाइज, तो उसमें रो जब चेंज होता था पहले चार्ज निकलता था टोटल फिर क्वेश्चन सॉल्व होता था, ठीक है, सेम ही पैटर्न है इसका। तो इसके अंदर अगला पार्ट है कि आर टू ग्रेटर देन आर, मतलब कि अगर ये कैपिटल आर है और इसमें करंट टोटल आई है, तो मेरे को आर टू डिस्टेंस पे निकालना है करंट, ये तो इनफाइनाइट वायर का सीधा फॉर्मूला लगेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इनटू आई डिवाइडेड बाय आर टू, दिस इज द आंसर, बात ही खत्म है, इसे कुछ करना ही नहीं है क्योंकि टोटल करंट ऑलरेडी आई गिवन है, आंसर समझ में आ रहा है यहां तक।
सेवंथ क्वेश्चन के बाद जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है कि किया हुआ ऐसा हमने क्वेश्चन।